है और मैं बरेली कॉलेज से आया हूँ, और ये हम लोग जायज मांगे हैं जो कि बरेली कॉलेज प्रिंसिपल भी चाह रहा है कि यूनिवर्सिटी बने, समर्थन दे रहा है, देखो वो भी मतलब अपना उनका जो करने का वो कर रहा है, लेकिन उनको होता है नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बरेली कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाए, हम लोगों का समायोजन। कितने संगठन आपके साथ? बहुत ही किसान यूनियन है, काफ़ी समर्थन हमारे लिए, मतलब नाम नहीं गिना सकते, इतने हैं मेरे, मतलब जो आते हैं समर्थन बहुत काफ़ी सारे हैं हमारे यूनियन के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ाई अभी जायज़ है, आज जायज़ के लिए मांग कर रहे हैं। किसी भी कोई बच्चा आता है बरेली कॉलेज यूनिवर्सिटी में, फायदे का नुकसान तो है नहीं, बरेली कॉलेज इतना पास में है, बरेली इतने छात्र भी हैं जो कि दूसरे कॉलेज तक लेना पड़ता है कभी कभी स्कूल परीक्षा के लिए, तो इतना बड़ा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनना ज़रूरी था। इस पार्क में धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं, हम लोग 20 साल 22 साल 25 साल से यहाँ अस्थाई कर्मचारी हैं, 162 कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जाए और यूनिवर्सिटी बनाने की हमारी जो मांग चल रही है बराबर, केंद्र की या राज्य की, कोई सी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि 100 साल पुराने जो भी विश्वविद्यालय है, एक नियम है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। इस विषय को लेकर अब तक कहाँ? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी तक, राज्यपाल जी तक, काफ़ी जगह उसका सब कागज कार्रवाई सब कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं डायरेक्ट। कितने महीने हो गए आपको धरना प्रदर्शन? धरना साहब जनवरी से कंटिन्यू चल रहा है, जनवरी से कंटिन्यू चल रहा है। 162 अस्थायी कर्मचारी हैं, इनको विनियमित करने के लिए, और बरेली कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, और इसके लिए विश्वविद्यालय बनाने के लिए, क्योंकि ये सभी मानक पूरा करता है, UGC की गाइडलाइन है कि जो कॉलेज 100 साल पुराना हो गया है उसको यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, लेकिन ये 184 वर्ष पुराना कॉलेज है। यहाँ का प्रबंधन, यहाँ का जिला प्रशासन अगर ये चाहे तो इसको बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनवा सकता है, लेकिन प्रबंधन तो कतई नहीं चाह रहा है और जिला प्रशासन भी निष्क्रिय पड़ा हुआ है। आज ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज हम लोग DM साहब को बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए, 162 अस्थायी कर्मचारी को विनियमित करने के लिए, और प्रबंधन जो भ्रष्ट प्रबंधन है जिसके खिलाफ मुकदमे हैं उन्हीं को जिम्मा दे रखा है, उसे हटा के रिसीवर तैनात किया जाए, इसलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए एक दिवसीय धरना यहाँ लगाया है सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में, और जिला मुख्यालय पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आज ज्ञापन सौंपेंगे DM को, और ये कहेंगे कि अगर जल्द हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हम अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं, और आंदोलन तेज करने की दिशा में हम बरेली कॉलेज में ताला भी लगा सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।